दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आईटेल मोबाइल के बारे में। आईटेल 125 ये जो मॉडल है इसमें स्पेड्रम का आईसी लगा हुआ है, यानी कि एसपीडी सीपीयू लगा हुआ है। ठीक है, इस मोबाइल को अगर आपको अनलॉक करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्पेड्रम टूल है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, और एसपीडी सीपीयू का जो ड्राइवर है वो प्रॉपरली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप इस मोबाइल को अनलॉक करेंगे। ठीक है, तो स्पेड्रम पे जैसे मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्वर का, सर्वर पे मैंने चेक लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड है, यानी कि कंपनी सिलेक्ट करना होगा आपको, तो यहाँ से आपको आईटेल सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से चलिए हमने यहाँ पे आईटेल सिलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे मॉडल नंबर सिलेक्ट करना है, आईटेल 125। ठीक है, तो ये मॉडल हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको फॉर्मेट यूजर डाटा का। ठीक है, तो फॉर्मेट यूजर डाटा आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। फॉर्मेट डाटा पे आपको क्लिक करना है और मोबाइल को ऑफ करना है। ऑफ कर देंगे मोबाइल को, उसके बाद वॉल्यूम प्लस और माइनस कंटिन्यू सेम टाइम आपको प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको केबल लगाना है और वॉल्यूम प्लस माइनस आपको तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपका मोबाइल बूट ना कर जाए। जैसे मोबाइल आपका बूट करता है तो वॉल्यूम प्लस माइनस को आप छोड़ दें और बहुत ही आसानी से आपका मोबाइल बूट करेगा, मोबाइल आपका अनलॉक हो जाएगा। तो ये मोबाइल जो है अनलॉक हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।